सर्दियों में गर्मा गर्म सूप पीना किसको नहीं पसंद है, और गर्म गर्म सूप पी के तो मज़ा ही आ जाता है। और सूप भी ऐसा जिसमें कि भरपूर सब्जियां अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से हम डाल करके बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी सा हेल्दी सा वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप पीना या खाना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद लगता है। और हम आज ये सूप घर में अपनी चॉइस की सब्जियां डाल करके बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी सा इसमें एक ट्विस्ट भी देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि ये वेजिटेबल सूप हेल्दी सा टेस्टी सा हम घर में कैसे बना करके तैयार करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा लिया है, बड़े बर्तन का ही यूज़ करें। और यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। सबसे पहले मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच बटर का डाला है। आप सिर्फ तेल में भी इसको बना सकते हैं या सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। बटर जले नहीं, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है, नहीं तो बटर जलने लगता है। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, अदरक एक बड़ा चम्मच, और लहसुन कम से कम डेढ़ बड़ा चम्मच, और हरे प्याज का वाइट और हरा हिस्सा सब मैंने लिया है। और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अदरक और अच्छे से हम इसको पहले मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। अदरक और लहसुन किसी भी सूप में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और एक और बात, आप यहाँ पर जो भी चीज़ें सब्जियाँ लहसुन प्याज जो भी यूज़ करें इनको पीस के ना डालें, इनको काट के ही डालें। इसका कलर चेंज होने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे प्याज। तो मैंने प्याज का एक बड़ा प्याज लिया है और हरे प्याज का वाइट वाला हिस्सा भी इसमें साथ में ही डाल दिया है। तो इसको थोड़ा पकाने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सब्जियाँ ली हैं। लिए मैंने एक गाजर ली है, और यहाँ पर मैंने लिया है पत्ता गोभी, और यहाँ पे लिया है बीन्स, यहाँ पे लिया है मशरूम, और ये है टमाटर दो, और इसके बाद मैंने लिए हैं लाल पीली और हरी, तीनों शिमला मिर्च मेरे पास थी तो मैंने डाल दी है। आपके पास जो है वो डालें और जो नहीं है तो ना डालें। तो ये सूप हम घर में बना रहे हैं तो हम अपनी चॉइस से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी मटर भी यूज़ की है। तो मैंने इतनी सब्जियां ली हैं, आपके पास जो है घर में आप वो डालें, जो नहीं है, जो नहीं पसंद है सब्जी वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जियों को हम एक साथ में इसमें डालेंगे और डाल करके अच्छे से थोड़ी देर तक भून लेंगे। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है थोड़ा, और मटर भी साथ में डाल देते हैं। आप इसमें बीट रूट, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, जो भी सब्जी आपको पसंद है, हरी सब्जी या जो भी पसंद है आपको, सब डाल सकते हैं, यहाँ तक कि लौकी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नमक डाला है और इसको अच्छे से मिला करके थोड़ी देर के लिए लो गैस पर ढक करके पकने के लिए छोड़ेंगे। और सब्जियों में बहुत मॉइस्चर होता है, आप देखेंगे, ये देखिए इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है थोड़ा, और अच्छे से पक करके सॉफ्ट हो गई हैं। इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर मैंने एक लीटर से तकरीबन पानी डाला है, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और फिर टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसको अच्छे से मिला करके हम पका लेंगे। और इसको हम हरे पत्ते भी डाल देते हैं प्याज के, और ढक करके 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तो वैसे तो सूप ये तैयार हो गया है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन बच्चों को बेंचा सूप बहुत पसंद आता है। तो मैंने इस सूप में थोड़ा ट्विस्ट दिया है, मैंने इसमें मेंचाओ का फ्लेवर भी ऐड किया है। तो आप चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं, या आगे हम सॉसेज यूज़ कर रहे हैं उसके साथ बना के भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ विनेगर। ये आधा छोटा चम्मच मैंने विनेगर लिया है, बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि सॉसेज में भी विनेगर होता है। एक चम्मच मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन सब सॉसेज से। एक चम्मच मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, और उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे कलर के लिए, मेंचाओ जैसे कलर के लिए डार्क सोया सॉस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसमें डाल के मिलाने से ही इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल के ही आप सूप बना करके पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी टमाटो केचप, जो कि बच्चों को बहुत ही फेवरेट होता है। तो मैं 2 बड़े चम्मच इसमें टमाटो केचप डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ही टेस्टी ये सूप हमारा बनकर के तैयार होगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम सॉसेज इसमें डाल करके अच्छे से मिला लेंगे, और आप चाहें तो पतला तो ऐसे ही पी सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। और सबको पता है कॉर्नफ्लोर डालने से
किसी भी चीज़ में उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है। तो हम सूप में थोड़ा सा इसको डालेंगे ताकि सूप हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा दिखे, बिल्कुल ठीक सा हमको सूप थोड़ा सा बना करके गाढ़ा गाढ़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा इसका, हम बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, इसको ढक करके हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब बहुत ज़्यादा टाइम तक सूप को ना पकाएं, तो इसके पहले ही आप इसको अच्छे से पका लें और कॉर्नफ्लोर डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको बस पकाएंगे और बस उसके बाद हमारा सूप रेडी। तो ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी सा बन गया है इसका टेक्सचर और सूप हमारा रेडी है। और इस सूप में हमने जो मटर यूज़ की है, वैसे तो मटर नहीं डालते हैं सूप में, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो अपनी चॉइस से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। तो ये मटर इसमें कितनी अच्छी लग रही है, कितना खिल के आ रहा है मटर का कलर। तो सूप हमारा बन करके रेडी है, तो चलिए इसकी हम सर्विंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सूप बाउल ले लिया है और यहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं अपना गरम गरम वेजिटेबल सूप, जिसमें कि हमने अपनी चॉइस की सभी सब्जियाँ डाली हैं। इसको हमने बहुत हेल्दी बनाया है, आप चाहें तो कोई भी सब्जी डाल करके इसमें आप बना करके पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये टेस्टी से यमी से सूप की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर से शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये मेरे सूप की रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाया तो आपको टेस्ट इसका कैसा लगा। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।